जो शकट था वहां पर, जो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी को दबाऊंगा, दबाते दबाते कृष्ण उसके नीचे ही बिल्कुल वहीं पे पीस के मार दूंगा। अभी उसने धीरे 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 जैसे बैलगाड़ी को दबाना चालू किया और कृष्ण अभी अपने छोटे से चरण कमल को थोड़ा 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 हिलाते हिलाते एक ठोकर मारी कृष्ण ने कि बैलगाड़ी पूरी उछल के पलट गई। राक्षस भी उसके साथ साथ आकाश में गिरा और धड़ाम करके सब नीचे गिरा। राक्षस की वहीं की वहीं मृत्यु हो गई। सारा दूध दही माखन जो सब रखा था सब नंद भवन में फैल गया। इतना जोर से शब्द हुआ, ब्रज गोपियां तो जहां कीर्तन कर रही थी सारा कीर्तन छोड़ के भागी भागी आई बाहर। देखा हे भगवान, बैलगाड़ी के नीचे लाला थे और कहां पूरा विपरीत हो गया। सारे दूध दही मक्खन फैल गया, बैलगाड़ी नीचे बिखरी पड़ी हुई है, लाला उसके ऊपर किलकारी मारते हुए खेल रहे हैं। मैया यशोदा ब्रज गोपियां सब सोचने लग गई कि ना कोई आंधी आई ना तूफान, अरे बैलगाड़ी गिरी तो गिरी कैसे, विचार करने लगी मन ही मन। तभी वहां छोटे छोटे बालक थे, छोटे बच्चे अपनी तुतलाली भाषा में बोलने लगे, बोले मैया मैया हम बताएं, तेरे लाला ने बैलगाड़ी में एक ठोकर मारी और उसी से बैलगाड़ी उछल गई और सारा दूध दही फैल गया। मैया यशोदा कहने लगी, क्या भांग खा के आए हो ना क्या, अरे नेक्स्ट लाला ये कहां इसको ठोकर मारेगा, 3 महीने का आज मेरा लाला हुआ है। किसी को विश्वास नहीं हुआ। बाल भाषितम कहते हैं छोटे बच्चों की बातों पर अरे क्या ध्यान देना, वो तो नारायण का भला हो, उसने मेरी लाला की रक्षा कर दी। इस प्रकार मैया यशोदा ने कृष्ण को पुनः अपनी गोद में ले लिया, उसको लेकर चली गई नंद भवन के अंदर और वहां पर फिर ब्रज गोपियां कीर्तन करने लग गई। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हमें टीकाकार लोग देखो बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। वहां पर उत्सव हो रहा था कृष्ण के लिए, कृष्ण आज 3 महीने में करवट लिए हैं, उनके लिए उत्सव किया। उत्सव का अर्थ क्या है, उत्सव अर्थ बताया, उत्सव का केंद्र यदि भगवान हो। मैया यशोदा ने क्या किया था, सारी बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही माखन ये सब तो ऊपर रख दिया और कृष्ण को कर दिया नीचे। हमारे घर में भी कभी कभी हम उत्सव करते हैं, खूब लोगों को बुलाएंगे, खाना पीना सब लोगों को रिश्तेदारों को इन्वाइट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, भगवान के प्रति कोई ध्यान नहीं देंगे। भगवान मानो यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि संसारिक वस्तुओं को तो तुमने रख लिया ऊपर और मैं जो सबका मूल हूँ मुझे रख दिया नीचे। अगर ऐसा करोगे तो क्या करेंगे, भगवान ऐसी ठोकर मारेंगे सारे संसार को उछाड़ देंगे। सारा दूध दही मक्खन जैसे वहां पर फैल गया, ऐसे ही कृष्ण ऐसी ठोकर मारेंगे तुम्हारा सारा संसार तहस नहस कर देंगे। लेकिन अगर भगवान को ऊपर रखते हो, भगवान को केंद्र में रखते हो, तब जाकर तो तुम्हारा उत्सव सार्थक होगा। इसलिए जब भी घर में उत्सव हो, ऐसा नहीं पूरी दुनिया को आमंत्रित किया, सभी रिश्तेदार घर में आए हैं उनको तो सब देख रहे हो किसने क्या खाया किसने क्या पिया, लेकिन घर में जो बाल गोपाल बैठे हैं जो ठाकुर जी घर में हैं उनके प्रति कोई ख्याल नहीं, उनको भोग लगा कि नहीं, घर में उत्सव है उनके लिए नए वस्त्र आए कि नहीं। अगर ऐसा करोगे तो घर गृहस्थी में ठाकुर जी खुशी नहीं रहने देंगे, ऐसी ठोकर मारेंगे सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए घर में यदि उत्सव हो, लोग बच्चों का बर्थडे मनाते हैं उसमें न जाने कितने कितने बोतल तोड़वाते हैं, कितने मछली कटवा देते हैं, बकरे कटवाते हैं। कोई संत कह रहे थे कि जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने जीव की हत्या कर दी, लोगों को मांस खिलाते हैं ना, जितने जीव की हत्या कर दी, बच्चे का जन्मदिन हुआ उत्सव मनाया उसके अंदर सबको शराब पिलाई मांस खिलाया, अरे उस बच्चे के मंगल के उद्देश्य में अगर तुम ये उत्सव कर रहे हो उस बच्चे का मंगल क्या होगा, अमंगल होगा, क्योंकि उसको निमित्त करके तुमने इतने जीवों की हत्या करी ना। अगर उसकी आयु 100 साल होगी वो छठ करके 50 साल को उतर आएगा, इतना दुष्प्रभाव पड़ता है ऐसे गलत तरीके से उत्सव मनाने का। लेकिन वहीं पर अगर उत्सव में ठाकुर जी का कीर्तन हो, संत लोग आए, बच्चों का स्वस्ति वाचन हो, तो परम मंगल का विषय है। इसलिए कहते हैं यदि घर में उत्सव हो ठाकुर जी को केंद्रित करके रखो, सबसे पहले देखो ठाकुर जी के लिए वस्त्र है कि नहीं, ठाकुर जी को ठीक से भोग लग रहा है कि नहीं, ठाकुर जी की सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं। यदि इस चीज को केंद्र में रखोगे तो संसार में बढ़िया फलते फूलते रहोगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कृष्ण अभी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए तो उनके रूप की चर्चा पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। मैया यशोदा इतना सुंदर श्रृंगार करती थी कृष्ण का, कमर में कर्दनी पहनाती थी, गले में मोतियों की माला, सिर पर सारे केशों को चढ़ाकर और एक जूड़ा बना देती थी, उसमें मोर पंख लगा देती थी। कहते हैं कि कृष्ण का स्वरूप कितना सुंदर है, कहते हैं धूलि भरत अति सोहत श्याम जू,
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पगलू पुर बाजत पीरी कचोटी। या छवि को रस खान विलोकत, बारत काम कला निधि कोटी। काग के हाथ बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। रसखान जी वर्णन कर रहे हैं इसके अंदर कि कृष्ण जब अपने आंगन में माँ के दिया हुआ माखन रोटी खा रहे थे, काक भूषण भी वहां पर प्रस्तुत हुए। कहते धूली भरे अति सोहत शाम जो, अति सोहत बड़ी सुंदर छवि है, किसी के ऊपर यदि धूल छोंक दो तो उसका तो स्वरूप और बिगड़ जाता है, लेकिन कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है, यदि ब्रज रज भी उनके शरीर पर लग जाए तब भी वो असुंदर नहीं लगते, गंदे नहीं लगते और उनकी सुंदरता निखर जाती है। इसलिए धूली भरे अति सोहत शाम जो, उस पर भी सुंदर चोटी, सर पर मयूर पंख, इतना सुंदर कृष्ण का स्वरूप है, पूरे ब्रजमंडल में जिसकी चर्चा है। सब गोपियां कहती भैया कारो कारो है, लेकिन जगत को उजियारो है, ये कोई साधारण नहीं। अभी मथुरा में एक फल बेचने वाली थी, उस फल बेचने वाली की भी इच्छा हुई कि मैं भी कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करूं। फिर सोच रही है कहां मैं छोटी जाति की, कृष्ण तो नंद के लाला है, नंद भवन में राजभवन में रहते हैं, अरे मुझे क्या दर्शन देंगे। लेकिन फिर मन ही मन विचार करने लगी कि बच्चों को फल बड़े प्रिय है, बच्चों को फल बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे पास तो फल का पूरा भंडार है, मैं फल लेकर जाऊंगी और नंद भवन के बाहर जाऊंगी, कृष्ण को आवाज दूंगी, जरूर कृष्ण फल खाने के लिए आएंगे। यही तय करके मथुरा से आज नंद भवन के बाहर आ गई और चिल्ला रही है केला ले लो केला, फल ले लो फल, सेब ले लो, जिस तरह से फल वाले बिक्री करते हैं ना। आज नंद भवन के बाहर आकर कृष्ण को स्वयं आमंत्रित कर रही है, भैया कृष्ण तुम मेरे केले खाओ, आज मेरे भोग आरोगो, आज मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ। कृष्ण जब नंद भवन में खेल रहे थे सखाओं के साथ में, कृष्ण स्वयं नहीं गए, स्वयं ना जाकर उन्होंने अपने सखाओं को भेज दिया। दाम सुदाम मधु मंगल स्तोम, कृष्ण सारे सखा आए और फल वाली से फल लिए, सभी ने फल खाए और पुनः वापस नंद भवन में चले गए। फल वाली बड़ी दुखी हो गई, बोले मैं कृष्ण को बुला रही थी लेकिन कृष्ण ने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए, आए क्यों नहीं भगवान। फिर सोचा छोड़ो, निराश होकर वापस मथुरा चली गई। आज दूसरे दिन फिर कृष्ण दर्शन की लालसा से नंद भवन के बाहर आकर फल ले लो फल, केला ले लो, आम ले लो, नंद भवन के बाहर आकर कृष्ण के दर्शन करने की लालसा से फल बेचना चालू किया। अभी आज दूसरे दिन भी प्रभु आए नहीं, कृष्ण ने आज भी अपने सखाओं को भेज दिया, माताएं बात मत करो, घर में तो पूरे समय बात करते हो, यहाँ कथा में 3 घंटे 2 घंटे जब भी आते हो यहाँ तो चुप रहो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कृष्ण जब दूसरे दिन भी अपने सखाओं को भेज दिया, फल वाली ने सभी सखाओं को फल खिलाए और आज भी दुखी होकर वापस मथुरा चली गई। अभी तीसरे दिन जब मथुरा से ब्रज की ओर आ रही है, गोकुल की ओर आ रही है, तब मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज यदि कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं शरीर ही नहीं रखूंगी, अरे ऐसे कृष्ण दर्शन के विहीन प्राणों को रखकर धारण करने का लाभ ही क्या है, आंखों की सार्थकता क्या है, कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना। अक्षुणताम फलमिदं न परम विदाम सख्य पशुनुविवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश श्रुतयोरनुवेणुजुष्टं येर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। ब्रज गोपियां कहती है भैया ये दो आंखें जो ब्रह्मा जी ने दी है, इन आंखों की सार्थकता क्या है, जब कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करो। अरे इन आंखें प्राप्त करके यदि कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन नहीं किया तो तुम्हारी आंख नहीं, ये पांख है, मोरपंख के अंदर भी देखना एक आंख जैसी बनी होती है। बोले तुम्हारी आंखें किसी काम की नहीं है, यदि इससे कृष्ण का दर्शन नहीं किया तुम्हारे हाथों की सार्थकता किसमें है, जब इन्हीं हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो। पैरों की सार्थकता किसमें है, जब इन पैरों से ठाकुर जी की परिक्रमा करो, धाम परिक्रमा करो, चल चल के भागवत कथा में आओ, तभी तो तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सार्थक है, वरना ये तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। अभी ब्रज को ये फल बेचने वाली ये भी मन ही मन आज तय करके आई है कि यदि कृष्ण दर्शन ना मिला तो यमुना जी में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगी। जैसे घर के बाहर आई है, नंद भवन के बाहर, आज फल बेचना भूल गई, क्या कह रही है, गोविंद ले लो गोविंद, गोपाल ले लो गोपाल, मधुसूदन ले लो मधुसूदन, कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रही है, कृष्ण के नाम को उच्चारण करते करते पूरी बाहर बाह्य देह की सुदबुद्ध ही नहीं है,
पूरे अंतर्भाव में प्रविष्ट होकर कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करते करते कृष्ण नाम संकीर्तन में मत आज पूरी। कृष्ण ने आज सोचा कि भैया आज मेरा भक्त पूरा बावरा बन गया है, मेरे दर्शन के लिए इतनी पागल हो गई है आज मेरी भक्त, यदि मैंने दर्शन ना दिए तो प्राण ही नहीं रखेगी। भगवान तो भक्तवत्सल है, अपने भक्तों की इच्छा स्वयं पूरी करते हैं। कृष्ण ने क्या किया, अभी नंद भवन से बाहर आएंगे, लेकिन जैसे ही बाहर आने लगे माँ यशोदा ने पैरों में नूपुर पहना रखे थे, नूपुर अभी छम 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 शब्द करने लगे। जब से पूतना आई थी मैया ने घर में पूरी पहरेदारी लगा दी, बोले भैया कानों को बाहर नहीं जाने देना। अब जैसे ही नूपुर छम छम शब्द करने लगे, कृष्ण सोच रहे हैं दारी के मैं अपने भक्त से मिलना चाह रहा हूँ और तू मेरे भक्त से मेरे मिलन में बाधा बन रहा है। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत उस नूपुर को ऊपर उठा दिया घुटने की तरफ, नूपुर दब गए और अब शब्द नहीं होता। हाथों में गेहूं के दाने कुछ लेकर फलवाली को देने के लिए पूरी मुट्ठी बना ली और चलते चलते जा रहे हैं। कृष्ण को ठीक से मुट्ठी बनाना भी नहीं आता, हाथ में गेहूं तो लिए हैं लेकिन बीच बीच में गैप है तो गेहूं गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है। कृष्ण जब तक बाहर पहुंचे तब तक तो गेहूं के दो दाने हाथ में रह गए। ये कृष्ण जब बाहर जाते वक्त धान नीचे गिरा रहे थे, ये धान साक्षात लक्ष्मी है, ये धान लक्ष्मी है, गेहूं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। मानो आज लक्ष्मी भी कृष्ण के चरण स्पर्श करते हुए कह रहे कि प्रभु आप मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हो, अरे मैं तो नंद भवन में एक कोने में पड़ी हुई हूँ, किसी न किसी समय आपकी सेवा सहयोग तो मुझे प्राप्त होगा ही, आज अगर मुझे आपने नंद भवन से बाहर कर दिया तो आपकी सेवा में मैं कैसे लग पाऊंगी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे यही रहने दो। कृष्ण के पांव पड़ती हुई मानो लक्ष्मी भी आज पैरों में गिरती गिरती जा रही है। कृष्ण नंद भवन के बाहर आ गए फलवाली के सामने, हाथ में वही दो गेहूं के दाने लेकर। फलवाली तन्मय होकर आंख बंद करके कृष्ण नामों का कीर्तन कर रही थी, गोविंद गोपाल मधुसूदन, लेकिन जैसे ही कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ पूरा शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से अश्रु बहने लग गए, गदगद कंठ से जैसे उसने आंख खोली सामने कृष्णचंद्र खड़े हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके पूरी बावरी हो गई, पूरा बाह्य स्फूर्ति ही नहीं रही उसको और कृष्ण को एक टकटकी लगाकर देखी जा रही है। कृष्ण कहने लगा फल खिला दो। कृष्ण ने फल की याचना करी, फल वाली कहने लगी कि भैया तू भी तो मुझे कुछ दे। कृष्ण ने निकाल के वो दो गेहूं के दाने दे दिए। बोले दो गेहूं के दाने लेकर आए हो और चाहते हो पूरी टोकरी फल, मैं ये सब नहीं देने वाली। बोले गोपी तू तो अलग अलग बात करती हो, मैं और गोपियों के घर में जाता हूँ, उनसे यदि मैं माखन मिश्री फल जो भी मांगता हूँ मुझे खिला देती है। बोले तुम उससे कहते क्या हो। मैं कहता हूँ मैया मुझे माखन खिला दे, मैया मुझे मिश्री खिला दे। बोले देख काना, अगर तू मुझे भी मैया बोल देगा, अगर तू मेरी गोद में बैठ जाएगा तो मैं भी तुझे सारे फल ऐसे ही खिला दूंगी। अब कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं कि भैया इसकी जाति का ठिकाना नहीं, कुल का घराना नहीं, न जाने कहां से आई है, फल बेचती है, मैया को यदि पता चलेगा तो मुझे शासन करेगी, न जाने किसकी गोद में बैठ कर आया। कृष्ण ने इधर देखा उधर देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, झट करके उस फल वाले की गोद में बैठे, तुरंत वहां से खड़े होकर और फल की याचना करने लगे। अभी कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करते ही वो पूरी पागल हो गई, कृष्ण को सारे फल वहीं पर सौंप दिए। कृष्ण नाम कीर्तन करते 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 वापस पुनः मथुरा की ओर जा रही है। कृष्ण ने तो वहां पर दो दाने ही उस यमुना उस फल वाली को दिए थे, लेकिन यमुना की ओर जाते जाते उसका पूरी टोकरी इतनी भार हो गई, न जाने सोचने लगी इसके अंदर है क्या, सारे फल तो मैं कृष्ण को दे आई, अरे इतना भार कैसे हो रहा है। टोकरी उतार कर और नीचे देखा तो हीरे माणिक सोने अशर्फियों से सारी टोकरी भरी हुई। क्रंदन करते करते आंखों से आंसू बहाते बहाते रोने लगी। बोले प्रभु आप क्यों मुझे इस माया में फंसा रहे हो, अरे ये जड़ जगत के हीरे माणिक के लेकर मैं क्या करूंगी, जिसको आपका स्पर्श प्राप्त हो गया हो, जिसको आपका दर्शन मिल गया हो, उसका जीवन तो ऐसे ही कृतार्थ हो गया। सारे हीरे जवाहरात उसने यमुना जी में बहा दिए और भगवान ने स्वयं उसको अपने गोलोक धाम में भेज दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरफ कृष्ण सारे फलों को लेकर मैया यशोदा के पास में आए। ब्रज गोपियां वहां पर जो दास दासियां थी उन्होंने पहले ही कह दिया था, बोले यशोदे जानती हो आज तेरे लाला ने क्या किया। बोले क्या, आज न जाने कौन फल बेचने वाली आई थी, उसकी गोद में बैठकर उसे माँ बोला और उससे फल की याचना कर रहा था। मैया यशोदा, उनका नाम ही है यशोदा, यश ददाती थी यशोदा। मैया यशोदा कहने लगी कि किसी को माँ कह दिया तो कौन सी गलत बात हुई, अरे ये मेरा लाला नहीं तो सब ब्रज गोपियों का ही लाला है। कृष्ण का हाथी चौड़ी हो गई। बोले ठीक है मैया मेरे पक्ष में है। मैया ने वहीं पर फल अमनिया करे, ठाकुर जी को भोग लगाए
और सभी सखाओं को बांट दिए। यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग शिक्षा देते हैं कि भैया कृष्ण के दर्शन पहले दिन क्यों नहीं हुए, दूसरे दिन भी नहीं हुए, कृष्ण ने तीसरे दिन आकर उस फल बेचने वाली को दर्शन दिए, ऐसा क्यों? तब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि कोई कृष्ण सेवा करना चाहता हो, यदि कोई कृष्ण को खिलाना चाहता हो, ध्यान देकर सुनो, यदि कोई कृष्ण को खिलाना चाहता हो, यदि कोई कृष्ण की सेवा करना चाहता हो, उससे पहले कृष्ण के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। कृष्ण ने अपने सखाओं को भेजा, पहले अपने सखाओं को भेजकर उनको सेवा करी फल बेचने वाली ने, तब जाकर तीसरे दिन कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिए, कृष्ण उनके फल आरोगे। उसी प्रकार देखो, हम ये बाल गोपाल को, हम जो बाल गोपाल हमारे घर में है, हम जो ठाकुर जी हमारे घर में है, इनकी सेवा हम ये ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दिया हुआ प्रदत्त वस्तु खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, इसमें संशय हो सकता है। लेकिन यदि हम कृष्ण भक्तों की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें, क्योंकि हमने तो कभी कृष्ण को देखा नहीं, ठाकुर जी को देखा है अब तक किसी ने? हाँ, तो कहा किसने देखा ठाकुर जी को? किसी के कृष्ण को तो दर्शन हुए नहीं आज। सब लोग देखे, सब घर में लड्डू गोपाल ठाकुर जी, तुम लोग ठाकुर का दर्शन नहीं किए हो? तुम्हारे घर घर में ठाकुर जी और ठाकुर और कोई थोड़ी चीज होता है? ये कृष्ण विग्रह साक्षात ये कृष्ण ही है, इनका दर्शन तो है ही, लेकिन फिर भी साक्षात रूप में क्या ये हमसे कभी बात किए हैं? कभी हमसे ठाकुर जी बात नहीं करते। लेकिन साधु वैष्णव गुरु जी यदि हमारे घर में आए, वो हमसे बात करके बतलाते, भैया ये गलत है, ये सही है, इस तरह से ठाकुर को भोग लगाओ, इस तरह से भगवान का भजन करो, ये जो भगवत भजन की शिक्षा हमें प्रदान करते हैं, यदि इनकी सेवा हम करके इनको कभी संतुष्ट कर पाए, तब जाकर हम भगवान की सेवा करने के लायक बनेंगे। ये इसमें विशेष करके शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि Oh,
समझाई नहीं आ रही है। हरि बोल हरे कृष्णा, इससे आवाज आ रही है? पीछे हाथ उठाओ किसको आवाज आ रही है। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। एक समय कृष्ण कन्हैया लाल जब ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे, वो मनीमन चिंता कर रहे हैं कि भैया जो कोई ब्रज में आता है एक ही बोलता है, एक ही बात बोलता है कि राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। बोले भैया, तो सब कोई कहता है कि भैया राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल मिल जाए, अरे आखिर ये ब्रज रज की महिमा क्या है? हर कोई ब्रज में आकर इस ब्रज धूल में लोटपोट खाता है। कहते हैं कि वृंदावन में यदि कोई गया, अगर उसने दो काम नहीं किए, क्या? बोले रमन रेती लोट नहीं कर कियो ना जमुना स्नान, रे मन तू क्या समझेगा ब्रज के तत्व महान। इसलिए अगर ब्रज में जाओ तो भैया दो काम जरूर करना। बोले क्या? एक तो रमन रेती जहां पर भगवान ने क्रीड़ा करी थी उस स्थान पर लोट पोट जरूर खाना, और एक क्या, जमुना जी का स्नान जरूर करना। इसलिए ब्रज रज की और श्री यमुना महारानी की बड़ी महिमा है। अभी एक समय कृष्ण ने क्या किया, ये ब्रज रज के अंदर आखिर है क्या, ये जानने के लिए हरे और हरे कृष्णा बिहारी लाल की। तो कृष्ण मनीमन सोच रहे हैं कि भैया ब्रजरज की महिमा क्या है, आखिर मैं भी तो समझूं। तो इसलिए कृष्ण ने एक समय क्या किया, सखाओं के साथ में खेल रहे थे ब्रह्मांड घाट पर। कहां खेल रहे थे? जो ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते सखाओं के साथ में, बच्चे जैसे घर बनाते हैं ना, बच्चों को देखा है मिट्टी से खेलते हुए क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर पैर धंसा देते हैं, उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी जमाई, जैसे पैर निकालेंगे तो उसमें घर बन जाता है ना। ऐसे ही कृष्ण अभी सब सखाओं के साथ में ब्रह्मांड घाट में ऐसे घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सखाओं ने बड़े बढ़िया बढ़िया घर बना दिए, सुदाम मधुमंगल स्तोप कृष्ण, सभी ने क्या किया, सुंदर सुंदर घर बनाए। किसी ने उस पर रख दो, नहीं आ रहा था, उस पर रख दो, उस पर रख दो, मेरे गोवर्धन बाबा हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कृष्ण सखाओं के साथ खेलते खेलते सब सखाओं ने तो बड़े सुंदर सुंदर घर बनाए, किसी ने घर के ऊपर मोर पंख लगाया, किसी ने फूल से सजा दिया, सब सखाओं के बहुत बढ़िया बढ़िया तीन तीन चार चार घर बन गए। लेकिन कृष्ण जैसे ही घर बनाने की कोशिश करते हैं उनका घर धस जाता है। कृष्ण ने कितनी बार कोशिश कर ली, घर बनाते हैं पैर के मिट्टी के अंदर पैर डालते हैं, घर बनाया जैसे ही पैर निकाला और घर धस जा रहा है। बैठ जाओ वहीं माता जी, बैठ जाओ, इनको दे दो और सब बैठ जाओ वहीं पे। तो कृष्ण की अनेक चेष्टा करने पर भी कृष्ण अभी घर नहीं बना पाए। कौन? अरे जिनके इशारे मात्र से ये अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है। भगवान के इशारे से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शंकर जी उसी ब्रह्मांड को पूरा नष्ट करते हैं, प्रलय जब हो जाती है। तो जिन भगवान के इशारे मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, आज वो भगवान एक छोटा सा मिट्टी का घर नहीं बना पा रहे। ब्रज की इतनी माधुरी है, ब्रज में इतना माधुर्य, इतना सुंदर भाव है कि जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है वो एक छोटा सा बालक बनकर सुंदर सुंदर लीलाएं करता है ब्रज में। ये ब्रज की महिमा है। अभी सारे देवता लोग भी आकाश मार्ग में आ गए, सब अपने अपने देवियों के साथ में आकाश मार्ग से दर्शन कर रहे हैं। बोले भैया कृष्ण आज देखो कितनी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, एक मिट्टी का घर भी नहीं बना पा रहे। सखाओं ने कृष्ण की खुली उड़ाने लगे, बोले कन्हैया क्या तुझसे एक घर भी नहीं बना, देख हमारे तीन तीन चार चार घर बन गए। कृष्ण ने मधुमंगल से बोला, बोले तू मेरी सहायता कर दे, तू मेरा भी एक घर तो बनवा। बोले मैं क्यों बनवाऊं, सखाओं ने मना कर दिया। कृष्ण को तभी क्रोध आया और उन्होंने सारे सखाओं के घर तोड़ दिए, तोड़ के और उसी समय पर मिट्टी खाने लग गए। बोले इतनी दुष्ट मिट्टी ये, इतनी दुष्ट
कि मेरे से एक घर भी नहीं बनने दे रही, इसलिए वहां पर मिट्टी खाना चालू कर दिया। खाते जा रहे हैं। सखाओं ने मना किया, बोले लाला मिट्टी मत खा। अरे मिट्टी खाओगे तेरा पेट खराब हो जाएगा, हम जाकर मैया यशोदा से शिकायत कर देंगे। बोले जाओ तुम कर लो, तुम्हें जो करना है। कृष्ण मिट्टी खाना छोड़ ही नहीं रहे हैं। दाऊ जी ने भी मना किया लेकिन माने नहीं। अभी सभी सखाओं ने जाकर मैया यशोदा को कंप्लेन कर दी। बोले सुनो यशोदा मैया, तुम्हारे लाला आज मिट्टी खाने लगा है। मैया बड़ी क्रोधित होकर हाथ में छड़ी लेकर दौड़ी दौड़ी आई ब्रह्मांड घाट पर। आंगन में देखा तो कृष्ण मिट्टी में बैठे हुए हैं। जैसे ही मैया को देखा हाथ में छड़ी, कृष्ण तो भयभीत होकर मुंह बंद करके वहां पर बैठ गए। मैया यशोदा आते ही शासन करने लगी, बोले क्यों रे चोर दारिके, अब तक तो घर घर जाके मक्खन चुराता था और आज मिट्टी खाने का चालू कर दिया। अरे मेरे घर में क्या माखन मिश्री की कमी थी क्या, तू आज यहाँ पर बैठ के मिट्टी खा रहा है। अभी कृष्ण ने जैसे मैया से इतनी डांट सुनी, हाथ में छड़ी देखी, डर के और तुनर वहां पर झूठ बोल दिया। बोले ना हम भक्षितवान अम्भ सर्वे मिथ्या विसंशिना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्यमे मुखम। कहते मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले तूने मिट्टी नहीं खाई? दाऊ जी तो बोल रहे तूने मिट्टी खाई, सखा सब बोल रहे तूने मिट्टी खाई। बोले मैया तुझे पता नहीं, तू तो भोरी भारी है। अरे ये सखा लोग जानते हो आज इन्होंने क्या किया, अपने घर से मालपुआ लेडी गिडी लड्डू सब चोरी कर करके लाए थे। तुझे तो पता है मैं कोई चोरी की वस्तु खाता नहीं। बोले हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है तो क्या करता है क्या नहीं करता। बोले मैया सच में मैं चोरी की वस्तु खाता नहीं, इनके द्वारा प्रदत्त मैंने मालपुआ लड्डू खाया नहीं। इन्होंने सोचा कि मैं इनके खिलाफ शिकायत ना कर दूं, इसीलिए इन्होंने मुझसे पहले ही मेरे नाम पे तेरे लिए झूठी शिकायत कर दी। बोले दाऊ भैया, दाऊ तो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने तेरे खिलाफ क्यों शिकायत करी? बोले मैया ये दाऊ जो है ना, ये देखने में ऊपर से गोरा है लेकिन अंदर से बहुत कारा है, और मैं तो बाहर से कारा हूँ लेकिन अंदर से मैं पूरा स्वच्छ साफ हूँ गोरा हूँ। मैया मुझे लगता है मैं तेरा लाला हूँ ही नहीं, तो सब समय दाऊ भैया का ही पक्ष लेती है। मैया ने कृष्ण सोच रहे थे कि अगर मैं मैया को कहूं कि मैया खाई होगी मिट्टी तो इस मुंह से खाई ना, कॉन्फिडेंस से झूठ बोल दूंगा। बोले खाई होगी तो इस मुंह से खाई ना, मुंह खोल के देख ले, अगर ऐसा कहूंगा तो मैया मान लेगी कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन कृष्ण ने उसी समय पर झूठ बोल दिया। बोले ना हम भक्षितवान अम्भ सर्वे मिथ्या भी संशिना। बोले सब तो झूठ बोल रहे हैं, सब मिथ्याबाजी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया कह रहे कि हाँ तू ही एक हरिश्चंद्र है, बाकी सब तो झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण कहने लगे समक्षम पश्चिमे मुखम, अरे अगर मानती नहीं हो तो मेरा मुंह खोल के देख लो। अभी कृष्ण की ऐसी बात सुनके तो मैया ने वहीं पे जोर से कृष्ण को धमक लगाई। धमक लगाते कृष्ण का मुख पट करके खुल गया। अभी कृष्ण के मुख में तो मिट्टी है, कृष्ण मिट्टी खाई कि नहीं? खाई ना, तो कृष्ण यहाँ पर झूठ क्यों बोल दिया? ना हम भक्षितवान अम्भ, मैंने नहीं खाई। कृष्ण ने झूठ बोला हाँ कि ना? कृष्ण ने झूठ बोला। अरे भैया भगवान अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर उनके अनुयायी भी ऐसे ही झूठ बात कहेंगे। भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो सभी देवता लोग कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, सत्य व्रतम सत्य त्रित सत्य सत्यश्च योनि निहितम च सत्य, सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान तो सत्य व्रत है, सत्य संकल्प है, वो तो कभी झूठ बोल नहीं सकते। तो उसके पीछे हमारे टीकाकार लोग कहते कि नहीं, कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि खाना किसको बोलते हैं? मानो यहाँ पर एक सेब रखा हो, सेब मुझसे अलग है, उसको अगर मैं खाऊं तो उसे खाना बोलेंगे। लेकिन ये जो मिट्टी है, सब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड तो कृष्ण के गर्भ में है, भगवान से ही तो सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई है। अरे ये पंचभूत ये सारी चीजें तो कृष्ण से ही उत्पन्न हुई है, तो वो तो सारा कृष्ण के अंदर है ही। तो कोई पृथक वस्तु यदि हो तो उसको खाना तो खाना बोलते हैं, लेकिन ये मिट्टी ये ब्रह्मांड ये तो सारा कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए उस चीज को खाना नहीं कहेंगे, इसलिए कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाई। दूसरी बात एक बतलाते हैं यहाँ पे कि भैया कृष्ण अभी भगवान नहीं है, कृष्ण यहाँ पर यशोदा के छोटे से लाला बनकर आए हैं, इसीलिए छोटे बच्चे जब झूठ बोलते हैं उसको झूठ नहीं माना जाएगा। क्योंकि मैया के डर से मैया के भय से भयभीत होकर कृष्ण ने ये बात कही, इसलिए उसे झूठ नहीं माना जाएगा। तीसरा कारण उसका कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्भो, अगर इसकी संधि ना करें तो हो जाता है नाहम, अगर संधि कर दे तो ना अहम, मतलब मैंने नहीं खाई। अगर संधि ना करें तो नाहम, नाहम का क्या अर्थ हुआ? बोले ब्रह्मांड, बोले
मैया तू मेरी तू इस मिट्टी की बात क्या करती हो? देख मैंने तो पूरा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड खा के रख रखा है। कृष्ण ने तुरंत मुख खोला और मुख में तो मिट्टी थी। अभी मैया मुझे मारे नहीं, इस डर से कृष्ण ने क्या किया, उस छोटे से मुख के अंदर कृष्ण की शक्ति योग माया ने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। कितने बड़े बड़े नक्षत्र, ग्रह, सितारे, बड़े बड़े पर्वत, झरने, वहां पर इतने विराट स्वरूप जो भगवान का था वो मैया ने देखा। और तो और कृष्ण के उस छोटे से मुख के अंदर खुद को भी देख लिया, किस प्रकार खुद ब्रह्मांड घाट पर कृष्ण का कान पकड़ते हुए शासन कर रही है। ये सारा स्वरूप भी मैया ने उस छोटे से मुख के अंदर देख लिया। मैया तो डर गई, बोले भैया मेरे लाला को कोई भूत लग गया ना क्या, इतने छोटे से मुख के अंदर ये मैं क्या देख रही हूँ, इसको कोई आई बलाई लग गई ना, क्या हुआ, कहीं मेरा बेटा भगवान तो नहीं है। जैसे ही यशोदा के दिमाग में ये बात आई कि मेरा लाला भगवान तो नहीं, अभी कृष्ण चक्कर में पड़ गए। क्यों? क्योंकि अगर मैया यशोदा ने कृष्ण को भगवान मान लिया तब तो फिर उनके लिए भी एक मंदिर बनवा देगी, वहीं पर उनको बिठा के दो समय भोग लगा देगी, घंटी बजाते हुए जय जगदीश हरे, बस दो समय आरती कर देगी पट बंद, और कृष्ण तो वहां पर कैद हो जाएंगे। फिर सखाओं के साथ में जो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, घर घर माखन चोरी करते हैं, ये सारी लीलाएं कैसे करेंगे? इसलिए कृष्ण अभी चाहते हैं कि मैया मुझे भगवान नहीं माने, मैया मुझे भगवान नहीं माने। तो कृष्ण ने क्या किया, उसी समय पर वो सारा दृश्य अदृश्य कर दिया, अदृश्य करके, और तुरंत मैया देख रही है कि भैया वो कोई मुख ना ही तो मिट्टी है ना ही कुछ। मैया फिर सोचने लगी कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या देखा था। बाद में विचार करने लगी कि हो सकता है मेरे लाला पर कोई भूत लगा हो, इसलिए इसको झाड़ना पड़ेगा। गौमूत्र और गोबर से सबको स्नान करवाया, उसको गाय की गैया से उसको झाड़ा लगाया। यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कि भैया कृष्ण ने आकर मिट्टी खाई तो खाई क्यों, इसके पीछे कई कारण बताए। हमें वल्लभाचार्य तो 10 कारण बताते हैं इसके पीछे, हम कुछ श्रवण कर लेते हैं। कहते हैं अभी कुछ समय पहले पूतना आई थी, पूतना आई थी ना, पूतना ने क्या किया, कृष्ण को विष पिलाया। अभी विष पिलाने से कृष्ण के मुंह का स्वाद खराब हो गया, विष पीने से मुंह का टेस्ट खराब हो गया। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, मानो पहले जैसे होता था ना, लोग पहले मिट्टी से बर्तन साफ करते थे, ऐसे ही कृष्ण आज ब्रज रज से अपनी मुख की शुद्धि कर रहे हैं, अपना मुंह साफ कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, ब्रज रज खा ली। दूसरा कारण बतलाते हैं कि कृष्ण के मुंह में जो दांत है, दांत का और एक नाम होता है द्विज, दांत का एक नाम होता है द्विज। तो कृष्ण मानो, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, और कृष्ण तो ब्राह्मणों की पूजा करते ही हैं। आज मानो कृष्ण ने ये ब्रज रज को लेकर ब्राह्मणों को प्रदान करी, ब्राह्मण अब आप ये ब्रज रज ग्रहण करो और आप मेरी पूजा स्वीकार करो। और एक कारण बतलाते हैं कि कृष्ण उस समय पर आगे जाकर रासलीला करेंगे, रासलीला करेंगे ना, तो कृष्ण रासलीला करने के लिए उनको रसों का खुद का तो भान होना चाहिए ना। अभी देखो हम सारे रस कहां से मिलते हैं, पृथ्वी से, पृथ्वी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। पृथ्वी में आप चीकू लगाओ, चीकू का पेड़ बड़ा मीठा उगता है, आप करेला लगाओ बड़ा कड़वा लगता है, आंवला लगाओ कसैला होता है, सारे अलग अलग रस जो है, तीखा, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सारे रस हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। और कृष्ण आगे जाकर रासलीला करने वाले हैं, रसा नाम समूह इति रास। तो कृष्ण मानो आज ये ब्रज रज को आस्वादन करके स्वयं पहले रस आस्वादन कर रहे हैं, बाद में ताकि सबको रस प्रदान कर सके। इस तरह से अनेक अनेक कारण वहां पर बतलाए हैं, लेकिन विशेष करके विचार करने वाली बात यह है, मैया यशोदा ने जब कृष्ण के मुख में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड देखा तो वो भयभीत हो गई, लेकिन इस बात से नहीं कि ये भगवान है। एक क्षण के लिए उनके दिमाग में ये आया तो सही कि कहीं मेरा बेटा भगवान तो नहीं, लेकिन फिर दूसरे क्षण क्या उस चीज को भूल गई। लेकिन जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, गीता में सुना है ना, महाभारत के अंदर रथ के ऊपर जब अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन डर गया, इतना भयभीत हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, कहां मैंने आपको सखा बोला, कहां मैं आपके साथ ही एक थाले में खाता था, कहां हम दोनों एक ही खाट पर शैया करते थे, शयन करते थे, आपके पैर मेरे सिर की ओर, मेरे पैर आपके सिर की ओर, मैंने इतनी दृष्टता करी, आप तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हो। इसलिए अर्जुन बड़ा भयभीत हो गया वहां पर। लेकिन यहां पर मैया यशोदा डरी नहीं, बल्कि उनका वात्सल्य भाव और बढ़ गया, उनका प्रेम जो कृष्ण के प्रति था और बढ़ गया। बोले भैया मेरे लाला को कोई भूत लग गया ना क्या, गोबर गोमूत्र से स्नान करवाया, गोमूत्र से, गोबर की पूंछ से, गैया की पूंछ से झाड़ा दिलवाया, इस तरह से मैया के कृत्य थे। तो दोनों में यहाँ पर प्रेम का फर्क दिखलाते हैं कि ये ब्रजवासी, ये जो ब्रजवासी है उनका कृष्ण के प्रति कितना सुंदर भाव है। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को
भगवान नहीं मानते कृष्ण को, कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना पुत्र मानता है, कोई अपना प्रियतम मानता है। इस तरह से ब्रजवासियों का उन्नत भाव है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये प्रयोजन है। हमारा भी एक समय, हम जो साधन भजन कर रहे हैं, भगवान की माला करना, आनिक करना, तिलक लगाना, ये सारा साधन भजन करके हमारा भी प्रयोजन तो यही है। लेकिन अगर हम अभी से उसका कृत्रिम अभ्यास कर लें, वो चीज ठीक नहीं। हम क्या करना है, हमको जो शास्त्रों में नियम है वो चीज को पालन करना है। जब हरि नाम करते 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 हमारा चित्त पूरा शुद्ध हो जाएगा, जब हम पूर्ण रूप में पवित्र हो जाएंगे, तब जाकर हमारा भी कृष्ण के प्रति वैसा भाव उदय होगा अपने आप। ठीक है, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। हरि बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आप गाओगे?
प्रेम मंथन स्वयं दधि। एक समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं यहाँ पर, एक समय यशोदा मैया मनी मन विचार कर रही थी कि लाला मेरा घर घर जाकर माखन चोरी करता है, और सारी गोपियां जो है कृष्ण की कंप्लेन लेकर घर में आती, सब शिकायत करती हैं, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दास दासियां जो माखन बनाती है वो माखन खट्टा हो जाता है, लगता है मेरे घर का माखन ही अच्छा नहीं है, मेरे लाला को मेरे घर का माखन पसंद नहीं आता, इसलिए अलग अलग घर जा जाकर चोरी करता है, और सारी ब्रज गोपियां उस पर क्रोध करती हैं। तो इसलिए आज जब दिवाली का दिन आया, मैया यशोदा ने क्या किया, सभी ब्रज गोपियों को दूसरे कामों में लगा दिया, किसी को छुट्टी दे दी और किसी को घर के दूसरे दूसरे कामों में लगा दिया, और क्या किया, स्वयं दही मंथन करने के लिए उपस्थित हुई। कौन? यशोदा मैया, नंद रानी, जो नंद भवन की एकमात्र रानी है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो, निर्म मंथन स्वयं दधि, मैया यशोदा कृष्ण की सेवा के लिए स्वयं प्रस्तुत हुई। ऐसा नहीं ठाकुर जी हमारे घर में हैं, गोपाल जी हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए एक नौकर लगा रख रखा है, वो समय पे आएगा, ठाकुर जी को स्नान करवा देगा, पंचामृत रख देगा, दो बार धूप दीवंती दिखाई, भोग लगा के और वापस चला गया। बोले नहीं भैया, ठाकुर जी को स्वयं उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहो, अपने बालक से भी ज्यादा उनके प्रति प्रीति होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम में एक समय तो कम, अंतिम काल में काम तो यही आएंगे ना। इसलिए आज मैया यशोदा भी कृष्ण सेवा के उद्देश्य से क्या किया, निर्म मंथन स्वयं दधि। आज रात के दिन मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर पद्म गंधा गाय जो थी नंद भवन के अंदर 9 लाख गैया थी, कितनी 9 लाख नंद बाबा के पास गैया थी, लेकिन उनके अंदर से कुछ ही गैया ऐसी थी जिनके दूध से कमल फूल की खुशबू आती थी, पद्मगंधा गाय भी बोलते हैं उनको। मैया यशोदा ने उन्हीं सभी 4-5 गायों को दोहन किया, दोहन करके जो दूध निकला उसको अच्छे से गर्म किया, गर्म करके जब वो दूध ठंडा होने को आया उस समय में उसमें जावन देकर उसे दही जमा दिया। तभी अगले दिन देखना, आप लोग तो गोपियां हो, आप लोग घर में भी दही गाय सब लोग है, सब दही मंथन किए हो ना, अगर दही मंथन करोगे सूर्योदय के बाद में तो फिर उससे मक्खन ठीक से नहीं निकलता, इसलिए जल्दी जल्दी मंथन करना पड़ता है सूर्योदय से पहले ही। आज मैया यशोदा भी कृष्ण सेवा के उद्देश्य से स्वयं दही मंथन करने के लिए क्या किया, जल्दी जल्दी उठ गई। एक साधक को किस प्रकार होना चाहिए यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे नहीं देर रात तक टीवी मोबाइल देखते देखते सोए और सुबह जब तक सूरज आ गया माथे पे तब तक जो है नींद ही नहीं खुल रही। बोले नहीं भैया, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, इसलिए गुरुदेव बता रहे थे ना 4 तरह का स्नान, याद है किसी को 4 तरह का स्नान बताया था, किस किस को याद है बताओ, एक मैया को याद है थोड़ा बहुत। 4 तरह का स्नान होता है, देखो सबसे पहला बताया ऋषि स्नान, ऋषि स्नान किसको कहते हैं, कहते सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में यदि को स्नान जो करते हैं वो होता है ऋषि स्नान। उसके बाद आता है देवता स्नान, देवता स्नान कब, बोले ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अंदर जो स्नान कर ले। उसके बाद आता है नर स्नान, नर स्नान मतलब ठीक सूर्योदय के समय पे यदि कोई स्नान करे। और चौथा है राक्षस स्नान, सूर्योदय के बाद में जो भी स्नान करते हैं वो बतलाया राक्षस स्नान। अब अपना अपना विचार कर लो, कौन किस समय स्नान करता है, कौन क्या है, कम से कम ऋषि स्नान देव स्नान ना कर पाओ तो कम बतलाया है, नर स्नान तो करो, सूर्योदय के समय पे स्नान कैसे भी कर लो, ठीक है। अगर सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई स्नान करे शरीर की आधी बीमारी तो अपने आप ही दूर हो जाती है कि नहीं, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं पहले के लोगों को देख लो, इतने ज्यादा रोग वगैरह नहीं होते थे, सुबह सुबह अपना उठ जाते थे, गाय को सानी करना, दूध निकालना, बछड़े इधर करना वो करना में सारा सुबह सुबह का समय निकलता था, अपने घर के काम में फिर लग जाते थे, इसलिए निरोगी काया रहती थी। आज के बच्चे देर रात तक सोते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं, इसलिए रोगग्रस्त भी ज्यादा ही हैं, है ना। तो इसलिए मैया यशोदा भी आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और दधि मंथन करने के लिए प्रस्तुत हुई है। दही को, मैया यशोदा का घर राजभवन है ना, और इतनी बड़ी मटकी थी, आज भी अगर आप जाओगे नंदगांव में वहां पर आज भी वो मटकी रखी हुई है जिसके अंदर मैया यशोदा दधि मंथन करती थी, इतनी विराट मटकी है, 3-4 आदमी उसके अंदर मां जाएंगे, इतनी बड़ी मटकी। हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा जब होती है उस समय पर जाते हैं उन्हीं सब स्थान पर, दर्शन करते हैं हम लोग, इतनी विशाल मटकी है यहाँ पर। तो मैया यशोदा उस समय पर लोग भी बड़े लंबे चौड़े होते थे, मैया यशोदा ने सारा दही उस मटकी के अंदर लेकर और अभी मंथन करने के लिए प्रस्तुत है। मैया यशोदा राजरानी, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन रखी है, रेशमी वस्त्र है, केश को पीछे जूड़ा बनाकर और फूलों की माला से गूंथ रखा है, और लहंगा सब आभूषण पहनकर और दधि मंथन करने के लिए बैठी है।
दधि मंथन जब कर रही है तो क्या चिंतन कर रही है? कृष्ण का। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण ने जैसी जैसी लीलाएं करी है अब तक, उन्हीं सब लीलाओं का चिंतन कर रही है और उन्हीं के द्वारा रचना किए हुए कुछ पद हैं। जैसे हम लोग कीर्तन करते करते जो करते हैं ना, ऐसे ही मैया यशोदा भी आज दही मंथन तो कर रही है हाथों से, लेकिन मुंह से कृष्ण कीर्तन कर रही है। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। मैया यशोदा हाथों से तो दधि मंथन कर रही है, मुख से कर रही है कृष्ण कीर्तन और मनी मन स्मरण कर रही है उसी कृष्ण का। अभी कृष्ण जगे नहीं है पलना पे, अभी पलंग पर लेटे हुए हैं, कृष्ण की नींद नहीं खुली है, क्योंकि मैया यशोदा का क्या विचार था, अगर ये उठ जाएगा तो मुझे कुछ भी घर का काम नहीं करने देगा, इसलिए इसके उठने से पहले जल्दी जल्दी मैं जो है दधि मंथन कर लूं। इसलिए कृष्ण कीर्तन करती जा रही है हाथों से कृष्ण सेवा। इसलिए बोलते हैं ना, मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान सुख हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, है ना। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भैया जब भी घर में कोई काम कर रहे हो, ऐसा नहीं इधर उधर की बातें करते करते, अरे उसने ये कर दिया उसका ये होगा तुम्हारे कारण ये हो रहा है घर में और कोई मेरी सहायता नहीं करता, बड़बड़ाते हुए काम मत किया करो। करना हो मुख से तो कृष्ण कीर्तन करो, भगवान राम का कीर्तन करो, और जो भी काम हाथों में कर रहे हो उसको कृष्ण की सेवा मानो। घर में अगर गोपाल जी रहेंगे तो जो भी घर में भोग बन रहा है किसके लिए बन रहा है? गोपाल जी के लिए। घर में अगर ठाकुर ही नहीं है तो बस खुद के खाने के लिए बना रहे हो, तो ऐसे बड़बड़ाते हुए काम करोगे, है ना। मैया यशोदा इसमें बड़ी बड़ी शिक्षाएं देती है। देखो घर में ठाकुर जी जो है उनके लिए भोग बनाओ, और भोग बनाते वक्त मन की वृत्ति कैसी होनी चाहिए? संसार में लगी हुई नहीं। कहते हैं कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण का कीर्तन करो। कृष्ण का कीर्तन यदि करोगे तो भगवान स्वयं आपके हृदय में आ जाएंगे, स्वयं आप उपस्थित हो जाएंगे। जो भी घर में मानो झाड़ू पोछा लगा रहे हो, भगवान को अपना घर जो है भगवान का मंदिर मानो, जहां पर गोपाल जी साक्षात विराजमान है, जहां राधा कृष्ण है, नौगौर निताई है, वो तो ठाकुर जी का मंदिर हो गया। तो इसलिए घर में यदि पोछा लगा रहे हो तो उस समय पे भी कृष्ण कीर्तन करते हुए, और क्या मन में भावना होनी चाहिए कि मैं ठाकुर जी के मंदिर साफ कर रही हूँ, ठाकुर जी का मंदिर मार्जन कर रही हूँ, इस भावना से घर के सारे काम करो। मैया यशोदा मुख से कृष्ण कीर्तन कर रही है, मन से कृष्ण का स्मरण कर रही है, हाथों में कृष्ण सेवा कर रही है, लेकिन कृष्ण अभी सो रहे थे पलंग पर और कृष्ण की नींद उड़ गई। कृष्ण की नींद उड़ते ही सोते सोते जैसे बच्चे करते हैं ना, हाथ इधर उधर मार रहे हैं, बोले मैया गई तो गई कहाँ, उठते ही बच्चों को भूख लगती है तो मैया को ढूंढ रहे हैं, बोले मैया कहाँ चली गई, जैसे आंख खोल के देखा मैया तो है नहीं। अभी कृष्ण ने क्या किया, पलंग से धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, पलंग बहुत ही ऊंचा है, मैया यशोदा ने पलंग के नीचे ईंट लगा के और थोड़ा सा ऊंचा जैसे हम घर में रखते हैं ना वैसा पलंग ऊंचा कर दिया, और कृष्ण क्या कर रहे हैं घुटनों के बल पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और उतरते उतरते बीच में ही लटक गए, हाथों से चद्दर को पकड़ रखा है, बीच नीचे सरक नहीं पा रहे हैं और पैर जमीन पे अड़ नहीं रहे हैं, इसलिए लटक गए वहां पर। बड़े ही कष्ट से धीरे 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 करके और नीचे उतरे, नीचे उतर के और मैया का अन्वेषण करने लगे, मैया को ढूंढने लगे। नारद जी को भगवान स्वयं कहते हैं, बोले मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद योगी लोग सब लोग कहते हैं कि मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, बोले नहीं। कोई लोग कहते हैं कि मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, बोले नहीं नहीं मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता। बोले प्रभु आप फिर रहते कहाँ हो? बोले मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरी कथा होती है, मैं उसी स्थान पर विराजमान रहता हूँ। इसलिए आज मैया यशोदा जब मुख से कृष्ण कीर्तन कर रही थी, हाथों से कृष्ण सेवा कर रही थी, तो कृष्ण से रहा नहीं गया। बोले मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, साक्षात मैया मेरे नाम कीर्तन कर रही है, अरे मैं क्यों ना जाऊं वहां पर। नींद टूट गई और वहां से उठ के और मैया के पास पास आने लगे। पास आते आते मैया को पीछे से पकड़ लिया। मैया को तो होश नहीं था, आंख बंद करके कृष्ण का स्वरूप चिंतन कर रही थी।
शुभदेव गोस्वामी ने मैया यशोदा के बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। मैया के रेशमी वस्त्र हैं और नदी मंथन करते करते पसीने के कारण पूरे शरीर में पानी की बूंदे हो गई है। केश जो सुंदर जूड़े के रूप में सजाए थे उससे भी एक एक फूल टूट टूट कर और नीचे गिर रहा है। और हाथों से जो नदी मंथन कर रही थी, हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, चूड़ियों से छम 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 शब्द हो रहा है, मानो मुख से तो कीर्तन कर रही हो और करताल भी तो बजानी है, इसलिए मजीरा जो काम कौन कर रही है, आज ये चूड़ियां मजीरे का काम कर रही है। और जो नदी मंथन करते हैं ना, नदी मंथन करते वक्त देखना आप, जो एक शब्द आता है धिक्तान धिक्तान धिक्तान, ऐसे शब्द आता है ना, वही मानो मृदंग का काम कर रहा हो। आज सारे ब्रज नंद भवन में जो भी सारे उपकरण हैं, वो भी मैया यशोदा की कीर्तन में सहायता कर रहे हैं। हाँ, ये चूड़ियां आज मंजीरे का काम कर रही है, ये कीर्त जो रई है, रई एक मृदंग का काम कर रही है, उससे सुंदर शब्द आ रहा है। और मैया पूर्ण रूप से आंख बंद कर कृष्ण कीर्तन में तल्लीन, कृष्ण कब पलंग से उठ के और पीछे से आकर पकड़ लिया उनको पता ही नहीं चला। मैया को जैसे थोड़ा सा हिलाया तब मैया की आंख खुली, देखा तो लाला सामने, जिसका कीर्तन मुख से कर रही थी, जिसका चिंतन मनी मन कर रही थी, वो ही कृष्ण सामने प्रकट हो गए। अभी मैया को तो हृदय से वात्सल्य उमड़ आया, तुरंत कृष्ण को जो है लेकर दूध पिलाने लग गई। मैया यशोदा का मथना ही कृष्ण ने रोक दिया था। पहले तो जब पीछे से पकड़ा तो मैया को चेतन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आगे आकर रई पकड़ ली, मैया इतनी प्रसन्न हुई, बोले मेरा लाला कितना बुद्धिमान, देखो अगर मेरे को पकड़ता तो कौन सा मेरा हाथ रोक लेता, अगर रस्सी पकड़ता तो उसको घसा लगता, और इसलिए क्या किया, तुरंत जाकर रई पकड़ ली, ना रई मथी जाए और ना दही मथन हो, इसीलिए तुरंत उसको गोद में लेकर और दूध पिलाने लग गई। कृष्ण उनके हृदय में, हम उनके उदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया ना। अभी कृष्ण तो मानो जब दुग्ध पान करते हैं पूरे ब्रह्मांड का पोषण होता है, और मैया यशोदा वो है उनका दुग्ध क्षीर समुद्र। मैया के स्तन से दूध कब आता है, जब हृदय वात्सल्य में पूरा भर जाए पुत्र के प्रति, जब प्रेम पूरा वात्सल्य हृदय में भरा हुआ हो उसी समय में स्तन से दूध झड़ने लगता है। तो मैया यशोदा का वात्सल्य भी कृष्ण के प्रति अगाध है, उसकी भी कोई सीमा नहीं। और कृष्ण के पेट में जो भूख है, कृष्ण के पेट में तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, उनका पेट भी भरने वाला नहीं। इस तरफ मानो दोनों में होड़ लग गई हो, ना ही तो मैया यशोदा के स्तन से दूध कम हो और ना ही कृष्ण का पेट भरे। आज कृष्ण दूध पान करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और मैया यशोदा वहां पर कीर्तन करते करते और दधि मंथन कर रही है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामो याद आया कि भैया मैंने दूध पर चूल्हे पर दूध भी तो चढ़ाया था, वो भी उफनने को हो रहा है। जैसे ही चूल्हे की तरफ नजर गई, अभी-अभी दूध बस निकल के गिरने ही वाला था। मैया ने कृष्ण से कहा, बोले काना तू थोड़ा एक तरफ हो जा, मैं जाकर दूध की रक्षा कर लूं, दूध को चूल्हे से उतार दूं, उसके बाद में तुझे दूध पिलाऊंगी। कृष्ण तो अभी-अभी कच्ची नींद से उठे हैं और भूख भी बड़ी लगी थी, बोले क्या, अरे मेरा अभी आधा पेट भी नहीं भरा और मुझे छोड़ के और दूध की रक्षा करना चाहती हो। बोले नहीं, जब तक मेरा पेट नहीं भर जाए तब तक जाना नहीं। बोले काना दूध उफन के नीचे गिर जाएगा, मुझे जाने दे। कृष्ण ने तो मैया को जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को जकड़ता है ना, वैसे जोर से जकड़ लिया और वहां पर दूध आरोग रहे हैं प्रभु। मैया मनी मन विचार कर रही है कि भैया ना ही, इस तरफ तो दूध उफन रहा है, एक तरफ भूत उफन रहा है, करूं तो करूं क्या। फिर सोचने लगी कि दूध की रक्षा तो करनी पड़ेगी, दूध की रक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर दूध उफन के गिर जाए चूल्हे में तो उससे बच्चों का अमंगल होता है, इसको अपशगुन माना जाता है। इसीलिए क्या किया मैया यशोदा ने, उतरते हुए दूध की रक्षा करने के लिए कृष्ण को उठाकर साइड में रख दिया और तुरंत जाकर दूध की रक्षा करने के लिए चली गई। दूध के ऊपर ठंडे पानी के छींटे दिए और उसको चूल्हे से उतार दिया। यहाँ पर टीकाकार लोग बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि दूध उफन उफन कर क्यों गिर रहा था, क्योंकि कृष्ण तो मैया यशोदा का ही दूध पान कर रहे हैं और ये जो दूध चूल्हे पर चढ़ा हुआ था, ये मनी मन विचार कर रहा है कि भैया मैं तो कृष्ण की सेवा में लगी नहीं पाऊंगा। अरे जो जीवन कृष्ण सेवा में ना लगे वो जीवन रखने का लाभ ही क्या है। ब्रज में तो हर चीज चिन्मय है, ब्रज की मिट्टी भी चिन्मय है, ब्रज का दूध भी चिन्मय है। तो दूध के हृदय में क्या भाव आया कि अगर मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता तो फिर प्राण धारण करने की क्या
वैल्यू है, इसलिए उफन उफन के आग में गिरना चाह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं और प्राण की धारण नहीं करूंगा। लेकिन मैया यशोदा ने क्या किया, इनका नाम ही है यशोदा, अर्थात सबको जो यश प्रदान करे। मैया यशोदा एक भक्त है और उन्होंने क्या किया, दूत से कहने लगे कि भैया भैया तू अपने प्राण मत त्याग, मैं आ रही हूं ना, मैं आकर तेरी रक्षा करूंगी, मैं तेरे को कृष्ण सेवा में लगाऊंगी। अरे तू अगर उफन के गिर जाएगा तो सारी मलाई तो गिर ही जाएगी, और मलाई नहीं होगी तो फिर मक्खन कैसा होगा, अगर दूध की मलाई निकल जाए सारी तब तो फिर उससे संदेश मिष्ठाई ये सब भी नहीं बन सकती। तो इसलिए मैया यशोदा ने जाकर दूध की रक्षा करी, और इस तरफ जो है कृष्ण बड़े क्रोधित हो गए, मैया ने गोद से उतार दिया, दूध नहीं पिलाया। हम कल सुन रहे थे जब पूतना आई थी, पूतना ने कृष्ण को अपने स्तन से हटाने की कितनी कोशिश करी। पूतना का शरीर त्रिगभ्युति बोलते 18 मील बड़ा शरीर था उसका, और कितने 10,000 हाथियों का बल उसके भुजाओं में, इतनी ताकतवर पूतना भी कृष्ण को, कृष्ण तब 6 दिन के थे, कितने दिन के 6 दिन के कृष्ण को अपने स्तन से पूतना हटा नहीं पाई। लेकिन आज कृष्ण तो 3 साल के हो गए हैं, और इस पर भी मैया यशोदा ने उनको एकदम से हटा के एक तरफ रख दिया। क्या मैया यशोदा में कृष्ण से भी ज्यादा, पूतना से भी ज्यादा शक्ति है? कहते हैं हाँ, ये है वात्सल्य प्रेम। पूतना तो राक्षसी थी, उसका कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं था, इसलिए कृष्ण उनके वशीभूत नहीं हुए। लेकिन मैया यशोदा के प्रेम के कारण कृष्ण इतने वशीभूत हैं कि जैसे मैया नचाती है वैसे प्रभु नाचते हैं, है ना। सबई नचावत राम गुसाई उमा दारू योषित की नाई, कहते हैं पूरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को तो कृष्ण नचाते हैं, भगवान नचाते हैं, लेकिन वो ही भगवान ब्रज गोपियों के, मैया यशोदा के, सखाओं के इशारों पर नाचते हैं। ऐसे हैं प्रभु राम, ऐसे हैं प्रभु कृष्ण, है ना। तो आज मैया यशोदा ने कृष्ण को जैसे एक तरफ रख दिया, बड़े क्रोधित हो गए, बोले देखता हूं तुम कितने दूध की रक्षा करोगी। अरे दूध बचाना चाह रही हो ना, अभी दिखाता हूं। वहीं पर एक पड़ा था सिलबट्टा, जो सिलबट्टे का जो होता है ना, उसको पत्थर को उठाया और उठाकर सीधा मारा मटकी पे, जिस मटकी के अंदर मैया दधि मंथन कर रही थी उसी मटकी के अंदर मारा, मारा तो वो मटकी फूट गई, तो वहां से दही बह बह के गिरने लगा। मैया ने तो मंथन करके पूरा उसको ठीक कर दिया था, वहां से दही बह बह के गिरने लगा, और कृष्ण को यहाँ पर मजा आ रहे हैं, मटकी फोड़ दी, नाचने लगे कृष्ण कन्हैया वहां पर। बरसी बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण वहां पर नाचते नाचते आनंद ले रहे थे, इधर से दही बहता जा रहा है, इधर से प्रभु उसी दही के अंदर उछल उछल कर नाच रहे हैं। अभी मन में एकदम से विचार आया, भैया अगर आ गई तो सारे डंडे पीठ पे पड़ेंगे, एक भी इधर उधर नहीं, इसलिए अब क्या किया, वहां से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहां से कृष्ण ने क्या किया, भाग गए, और भाग के पास ही वाले घर में, पास ही एक दूसरा कमरा था, उसके अंदर एक उखल रखा हुआ था, पहले जिसमें धान कूटते हैं ना, वो उखल रखा हुआ था, उस उखल के ऊपर चढ़ के छीके पर जो माखन था वो माखन खाने लग गए, और आसपास जो बंदर कौवे थे उनको भी खिलाने लग गए। देखो चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन चिन्ह छोड़ जाता है, है ना। मैया यशोदा जैसे ही वापस आई, देखा कि मटकी फूटी हुई है और सारा दही फैला हुआ है, देखकर मैया यशोदा को गुस्सा भी आया और हंसी भी आई, बोले कृष्ण इतना नटखट इतना चंचल हो गया है, आज घर की मटकी फोड़ी है, पहले चोरी करता था, अगर इसको शासन नहीं किया ना तो ये और जाके उद्दंड हो जाएगा, न जाने आगे जाके और क्या क्या काम करेगा, इसलिए इसको आज मजा चखाना पड़ेगा, इसको आज सजा देनी पड़ेगी। इसलिए मैया यशोदा ने क्या किया, हाथ में छड़ी लेकर, और कृष्ण क्योंकि दही में नाच रहे थे, नाचते नाचते ही आगे भाग कर गए हैं, तो कृष्ण के चरण छाप पड़ी हुई थी, दही की छाप पड़ी हुई थी, कृष्ण के चरण चिन्ह वहां पर थे, उन्हीं चरण चिन्ह को अनुसरण करते 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 मैया यशोदा पहुंच गई उस दूसरे कमरे में। कृष्ण तो पीछे, मैया पीछे है, कृष्ण अभी आगे उखल के ऊपर खड़े खड़े छीके से मक्खन उठा के खाते जा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, कौओं को खिला रहे हैं। ये बंदर देखना इतने चतुर होते हैं, बंदरों ने जैसे ही देखा कि मैया पीछे खड़ी है, एक एक करके पीछे सरकने लगे, एक एक करके पीछे सरकने लग गए, कौवे भी इधर उधर भागने लग गए। कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये क्या चक्कर है, अभी तक तो बड़े आराम से मक्खन खा रहे थे, अभी एक एक करके भागने क्यों लग गए, कहीं मैया तो नहीं आ गई। मैया इतने पीछा करते करते पास में पहुंच ही गई थी, तुरंत कृष्ण को पकड़ने ही वाली थी, कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा मैया है, ओखल से छलांग लगाई और भागते 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 सीधा नंद भवन के बाहर चले गए। सोच रहे थे कि मैया यशोदा घर की बहू है, नंद भवन की बहुरानी है, इसलिए घर के बाहर नहीं आएगी, लेकिन उनको क्या पता था कि आज तो दिवाली का दिन है, आज सारे ब्रज गोप
नंद भव अगले दिन गिरिराज पूजा श्री इंद्र की पूजा के लिए मंत्रणा करने के लिए बाहर गए हुए हैं। गांव के बाहर तो कोई भी गोप है नहीं, इसलिए मैया यशोदा ने क्या किया, कृष्ण का पीछा किया। इतनी जोर जोर से धावित हो रही है, कृष्ण का पीछा करते 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 अभी कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा कर रही है। प्रभु आगे आगे, मैया पीछे पीछे। कहते हैं कृष्ण कितनी जोर से भागेंगे जिसको काल ने भी पकड़ नहीं पाया, है ना। लेकिन मैया यशोदा आज उनके पीछे पीछे भागकर उनको पकड़ने की चेष्टा कर रही है। मैया यशोदा के 80 साल में तो लाला हुआ, मोटा छोटा शरीर, वृद्ध उम्र है, और उस पर भी ये छोटा सा लाला इतना भगा रहा है आज मैया को। कहने लगी, बोले लाला वहीं रुक जा। बोले नहीं, तुम मुझे मारोगी, तुम्हारे हाथ में छड़ी है। बोले ले, मैंने छड़ी फेंक दी, तू वहीं रुक जा और इधर आ जा मेरे पास में। बोले मैया तुम पहले छड़ी फेंक दो। मैया ने छड़ी फेंक दी और कृष्ण उसी समय पर मैया के पास में आ गए। मैया के पास में आ गए तो कृष्ण को जकड़ लिया और उस पर शासन करने लगी। बोले चोर, इतना उद्दंड हो गया है तू, ये दही की मटकी किसने फोड़ी। बोले जिसने दही बनाया उसी ने फोड़ी। बोले बंदरों को माखन किसने खिलाया। बोले जिसने बनाया उसी ने खिलाया। बोले तुम चोर हो। बोले मैं चोर नहीं, तुम्हारे घर में कोई चोर होगा। बोले मेरे घर में, कृष्ण के मैया यशोदा के एक भाई का नाम था चोर गोप, इसलिए मैया यशोदा मन ही मन विचार करने लगी। बोले बाबा इसकी बुद्धि कितनी तेज है, देखो मेरे खानदान में कोई चोर गोप है, वो इसको पता भी है और उसके नाम से मेरे को चिढ़ा भी रहा है। मैया यशोदा ने क्या किया, बोले तुम बंदर बंधु हो, बंदरों को माखन खिला रहे थे ना, तुम्हें भी इन अगर कृष्ण कहने लगे कि अगर मैं बंदर बंधु हूं तो मुझे छोड़ दे, मैं बंदरों के पीछे पीछे जंगल में चला जाऊंगा। अब मैया सोचने लगी कि भैया ये तो क्रोध में है, लगता है गुस्से में है, अगर इसको अभी छोड़ दिया कहीं सच में जंगल में ना चला जाए। इतनी मुश्किल से, इतने कष्ट से तो एक लाला भगवान ने हमको दिया, वो भी अगर जंगल में चला गया तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, क्या करूंगी। इसलिए मैया ने कृष्ण को बांधने की कोशिश करी। क्या सोच रही थी, इसको अभी जो है बांध देती हूँ ओखल से, और कुछ समय बाद में जब सब गुस्सा शांत हो जाएगा तो इसे खोल दूंगी। कृष्ण मैया के डर से इतने भयभीत हो जा रहे हैं, कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। जिसके भय से साक्षात काल भी भयभीत होता है, मृत्यु भी जिसका आदेश पालन करती है, वो प्रभु आज भयभीत हो रहे हैं। रुदन्त मोहुर्नेत्रम् युग्ममृजान्तम् कराम्भोजयोग्मेना की चेष्टा कर रही है। बोले अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक को मैया यशोदा एक छोटी सी रज्जू के अंदर बांधने की चेष्टा कर रही है, और मैया के भय से कृष्ण इतने भयभीत हो गए, रुदन्तम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजान्तम, आंखों से आंसू बहने लगे हैं। मैया ने आंखों में जो सुंदर काजल लगाया था वो काजल भी मलमल के प्रभु ने पूरी आंखें काली कर दी। वैसे तो श्याम वर्ण है, वैसे तो कृष्ण काले हैं, ऊपर से काजल से अपना थोपड़ा जो बचा खींचा था वो भी काला कर लिया। कृष्ण इतने क्रंदन कर रहे हैं जो आंसुओं के बूंदे मानो गंगा यमुना की धाराएं बह रही हो, और रोते रोते सिसक सिसक के रो रहे हैं, गले में त्रिकंठिका पड़ गई। और मैया से भयभीत होकर बोले, मैया मुझे छोड़ दे, मैया तेरा माखन और नहीं चुराऊंगा, मैया और मैं मटकी नहीं फोड़ूंगा, मुझे छोड़ दे। इस तरह से मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा ने निकाला एक चोटी से रिबिन और कृष्ण को अभी बांधना चाह रही है। बोले ये एक खल और ये उदुखल, तुम दोनों को आज मैं बांध दूंगी। जिस ओखल के ऊपर चढ़ के कृष्ण आज छीके से माखन चोरी कर रहे थे, उसी ओखल से कृष्ण को बांधना चाह रही है। बांधने की चेष्टा करते करते देखा वहां पर कि रस्सी दो उंगली छोटी पड़ गई। कितनी? दो उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने और एक रिबिन लिया, उसको बांधा दोनों को, और उसके बाद में कृष्ण को बांधने की चेष्टा करी, फिर भी देखा दो उंगल छोटी पड़ गई। आसपास जो गोपियां खड़ी थी उन गोपियों से उनके भी रिबिन मांग लिए, बोले लाओ तुम्हारे घर से भी रस्सी और रिबिन ले आओ सब। लाकर जब जब मैया यशोदा कृष्ण को बांधने की चेष्टा करती, तब तब रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जाती, ना तीन उंगल ना चार उंगल, हमेशा दो उंगल छोटी पड़ जाती। पूरे ब्रज की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण को बांधा नहीं जा रहा है।
सारी ब्रज गोपियां जो वहां पर खड़ी थी देख देखकर मैया यशोदा की खिल्ली उड़ा रही है। बोले यशोदे लगता है तेरे लाला के नसीब में बंधन है ही नहीं, तो इसे छोड़ दे। मैया यशोदा का तो और क्रोध बढ़े जा रहा है। बोले क्या मेरी कोक्का जाया और मैं इसे बांध नहीं पाऊंगी, मैं इसे निश्चय बांध के ही रहूंगी। ऐसा दृढ़ संकल्प करके मैया यशोदा ने क्या किया, भगवान की शरणागत हुई। टीकाकार लोग कहते हैं न च अंतर भई यस्य न पूर्वम नापि चापरम। अरे भैया बांधा किसको जा सकता है, जो कोई सीमा विशिष्ट हो उस वस्तु को तो हम बांध सकते हैं, लेकिन कृष्ण तो असीम है। कृष्ण तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, नियामक और नियमकर्ता है, उनको कोई कैसे बांध सकता है। कहते हैं साधारण रस्सी उसे बांध नहीं सकती, साधारण रस्सी कृष्ण को बांध नहीं सकती, वो बंधेंगे तो एकमात्र प्रेम की रज्जू में, प्रेम की रस्सी में ही प्रभु बंधन स्वीकार करेंगे। अभी मैया यशोदा ने जब पूरी रूप से हार गई, पूरा शरीर पसीने में तरबतर हो गया, पूरा परिश्रम करते करते थक गई, तब भगवान नारायण के शरणागत हुई और शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु कहां ये ब्रज गोपियां मेरा इतना उपहास कर रही हैं, अरे ये लाला मेरी कोख से जन्म हुआ है, आज अगर इन गोपियों के सामने मैं बांध नहीं पाई तो मेरी क्या रह जाएगी, इसलिए आप दया करके मेरी पर कृपा करें और ये इसको मैं बांध पाऊं। ऐसे करके नारायण से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही नारायण से प्रार्थना करी और शरणागत हुई, उसी समय पर क्या हुआ, कृपया आसीत स्वबंधने, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। भगवान ने मैया का जब परिश्रम देखा, शरणागति देखी, तो उस समय पर प्रभु ने बंधन स्वीकार कर लिया। कृष्ण ने बंधन स्वीकार कर लिया। वो जो दो उंगल रस्सी कम पड़ रही थी वो पूर्ण हो गई और कृष्ण अभी ओखल से बंध गए। बोलो श्री दामोदर भगवान की। भगवान का जो दामोदर नाम है इसका यही अर्थ है, दाम का मतलब होता है कमर, दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है ये कमर, इसलिए भगवान को मैया ने बांधा था, इसलिए उनका एक नाम हो गया दामोदर, है ना। मैया यशोदा तो कृष्ण को बांध रही थी और बांधते बांधते सब समय कितनी उंगल छोटी पड़ रही थी, दो उंगल छोटी पड़ रही थी। टीकाकार लोग कहते हैं कि भैया दो उंगल क्यों छोटी पड़ी, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ये दो उंगल आखिर है क्या, तो उसका अर्थ बतलाते हैं। पहली उंगली है साधक की चेष्टा, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, बोले पहली उंगली है साधक की चेष्टा। चेष्टा मतलब जो प्रयास एक साधक करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। मैया यशोदा कितना प्रयास कर रही थी, सुबह से लेकर शाम हो गई, पूरे बाह्य पूरा देह पसीना पसीने में हो गया, पूरा परिश्रम करते करते क्लांत हो गई, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प थी कि मैं इसे बांध के रहूंगी। एक साधक की भी ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए, भैया हम हमारा साधन भजन दृढ़ रूप में करेंगे, हम जो गुरुजी ने माला दी है वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने ही कष्ट हमारे ऊपर आए। अरे संसार तो दुखालय है, इसके अंदर कष्ट परेशानियां तो आएगी ही और आते आते एक दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भगवान का भजन जैसे ना छूटे ऐसा दृढ़ संकल्प मैया यशोदा की तरह अगर दृढ़ संकल्प होकर चेष्टा करेंगे तब जाकर भगवान क्या करेंगे, बंधन स्वीकार करेंगे, तब जाकर भगवान हमें दर्शन देंगे, तब जाकर भगवान हमें अपने पास में बुला लेंगे, है ना। तो इसीलिए पहली उंगली बताई है साधक की चेष्टा। एक साधक जो निरंतर चेष्टा करता रहता है भगवान के भजन में वो करना पड़ेगा। दूसरी उंगली क्या है, भगवान की कृपा। भगवान कब कृपा करेंगे, जब देखेंगे एक साधक चेष्टा कर रहा है। जब मैया यशोदा पूर्ण रूप से शरणागत हो गई, सुबह से शाम तक परिश्रम करते करते शाम में जब शरणागत हुई, नारायण से प्रार्थना करी, तब जाकर नारायण ने कृपा करी, भगवान ने उस समय पर बंधन स्वीकार किया। भगवान हमारे ऊपर कृपा कब करेंगे, जब हमारी चेष्टा भी ऐसी मैया यशोदा जैसी हो। अगर कोई ये मान के बैठ जाए, बोले अरे भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो जब चाहेंगे तब हम भजन करेंगे, वो जब चाहेंगे तब हमसे भजन करवा लेंगे, हम तो कुछ नहीं कर रहे, बोले नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा। रोटी मानो सामने आकर रखी हो, जब तक खुद खाओगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, थोड़ी चेष्टा तो खुद को करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान कृपा भी कब करेंगे, जब हमारी चेष्टा होगी। यहाँ पर देखो दो उदाहरण देकर बतलाते हैं। आपके गांव में तो बंदर खूब है, बंदर देखे ना, बंदर के बच्चे को देखा है, बंदर का बच्चा कैसे अपनी माँ को पूरा जकड़ के रखता है ना। हमारे वृंदावन में तो इतने बंदर हैं, एक डाली से दूसरी डाली, एक छत से दूसरे छत पे छलांग मारते रहते हैं, लेकिन जब बच्चा पेट पे हो ना तो मैया चिंता नहीं करती बच्चे की। बंदर का जो बच्चा है वो ही अपनी माँ को पूर्ण रूप से जकड़ के रखता है, मैया बस इधर से उधर छलांग मारती रहती है ना। और उसी के विपरीत अगर देखोगे तो एक बिल्ली का बच्चा देखोगे, वो अपनी माँ के मुंह में एकदम बैठा रहता है, माँ उसको एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरे से तीसरी जगह पर उठा उठा कर ले जाती है।
तो यहाँ पर कहते हैं कि भैया बंदर का बच्चा और ये बिल्ली का बच्चा, इससे क्या समझ में आए? बोले बंदर के बच्चे की तो कोई चेष्टा, पूरी चेष्टा बंदर के बच्चे की है। बंदर का बच्चा जैसे अपनी माँ को पूर्ण रूप में जकड़ के रखता है, ऐसे ही पूर्ण रूप से चेष्टा करनी साधक को करनी पड़ेगी, तब जाकर होगा। बोले नहीं। तो क्या बिल्ली के बच्चे की तरह एकदम शांत बैठ जाए, कुछ भी ना करे, निश्चिंत होकर बैठे रहे और भगवान जब करवाएंगे तब होगा? बोले नहीं। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, माने हमें चेष्टा भी करनी पड़ेगी और भगवान की कृपा की अपेक्षा भी करनी पड़ेगी। जब भगवान हमारी चेष्टा देखेंगे, जब हम देखेंगे कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, सुबह से उठ के सुंदर रूप में स्नान करके तिलक लगा रहे हैं, गुरुजी ने जो मंत्र दिया वो मंत्र जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तब जाकर भगवान हम पर कृपा करेंगे। यदि कोई आराम से बिना साधन भजन के बैठा हुआ है और सोच रहा है कि हम प्रसन्न हो जाएं, भगवान हम पर कृपा कर दें, भगवान इतने फालतू नहीं है, भगवान इतने फालतू नहीं कि तुम कुछ भी ना करो और भगवान तुम्हें सब कुछ प्रदान करे। चेष्टा करनी पड़ेगी शरणागत होकर और तब जाकर भगवान कृपा करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी जब कृष्ण को मैया यशोदा ओखल से बांध के चली गई, कृष्ण वहां पर सखा आ गए, सुदाम मधुमंगल सब लोग आकर कृष्ण को खोल रहे हैं। कृष्ण को खोलने की चेष्टा करी लेकिन किसी से गांठ ही ना खुली, है ना। वात्सल्य प्रेम बतलाया, मैया यशोदा का प्रेम सखाओं से ज्यादा है, इसलिए मैया तो वो कृष्ण तो साधारण रस्सी में बंधे नहीं है, प्रेम की रज्जू में बंधे हुए हैं। तो मैया का प्रेम तो कृष्ण से सखाओं से ज्यादा है, तो इसलिए सखा उसे कैसे खोल सकते हैं? सखा उसे खोल नहीं सकते, इसलिए कोई भी सखा खोल नहीं पाए। बलदेव प्रभु वहां पर आ गए, बोले क्या हुआ आज? अरे कृष्ण को किसी ने बांध दिया। किसने बांधा है कृष्ण को? जानते नहीं ये साक्षात अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। अरे मैं धरणीधर, मैं साक्षात बलदेव हूं, मेरे एक इशारे पर सारा ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है। मैया उधर से दौड़े दौड़े आए, बोले क्या सारे भगवान लगता है मेरे घर में अवतरित हुए हैं, हैं? और कहीं जगह नहीं मिली। बलदेव प्रभु ने तो मैया यशोदा की आवाज सुन के तुरंत वहां से भाग लिए। कृष्ण सोचने लगे सखाओं के साथ में कि चलो हम बंदे बंदे ही खेलेंगे, आज लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। कृष्ण ने क्या किया, उस ओखल को लेटा दिया और लेटा कर आगे 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 चल रहे हैं, और ओखल क्योंकि कमर से बंधी हुई है तो प्रभु के पीछे पीछे गुड़कती जा रही है, गुड़कती जा रही है। अभी कृष्ण को चलते चलते नंद भवन में नजर पड़ी उनकी, दो वृक्ष थे वहां पर, दो पेड़ थे वहां पर, यमलार्जुन वृक्ष। कृष्ण की जैसे ही उनके ऊपर नजर पड़ी, कृष्ण को याद आया कि अच्छा ये तो वही कुबेर के दो पुत्र हैं जिनको नारद जी का श्राप मिला था। एक समय कुबेर के दोनों पुत्र पूरे मदांद होकर शराब पी के और विवस्त्र होके और स्वर्ग की अप्सराओं के साथ में जल विहार कर रहे थे। कभी नारद जी उधर से गुजरे, तो सारी अप्सराओं ने तो जल से बाहर आकर अपने अंग को आवत्रित कर लिया, लेकिन कुबेर के दोनों पुत्र वो दोनों वहीं पर ही विवस्त्र होकर और नारद जी को गाली गलौज करने लगे। बोले इतना दुष्ट मुनिरा, इनको इतनी भी बुद्धि नहीं, कहां हमारे रंग में भंग डालने आ गया, हम यहाँ पर आराम से मौज कर रहे हैं और उसके अंदर बीच में आ गए ये। तो ऐसा सुन के और नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले देखो कहां ये कुबेर के दोनों पुत्र, कहां स्वर्ग के निवासी, और यहाँ इस मर्तलोक पर आकर इतने निर्लज्ज होकर, इतने शर्म को एकदम बेच के, और इन लोग यहाँ पर विवस्त्र होके और जल विहार कर रहे हैं। नारद जी को उनके ऊपर दया आ गई, नारद जी को बड़ी दया आ गई उनके ऊपर कि कहां ये स्वर्ग के निवासी और इतना निकृष्ट काम कर रहे हैं। देखो संतों का हृदय जो होता है ना वो ऐसा ही होता है। क्या कहते हैं भैया नारद जी को क्या जरूरत थी उनको श्राप देने की, अपना निकल लेते उधर से। लेकिन कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय जो होता है ना एक मक्खन की प्रति होता है, मक्खन तो मानो धूप का स्पर्श प्राप्त करके पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय तो केवल मात्र उनको देख के, दूसरों का दुख देख कर ही पिघल जाता है। आप देखो जो जगह जगह साधु भ्रमण करते हैं, क्या उनके धाम में या उनके मठ में खाने पीने को नहीं है? वृंदावन धाम में यदि आप जाकर देखोगे, कोई यदि कह दे कि भैया हम भूखे मर रहे हैं, कोई नहीं मानेगा। ब्रज धाम में सबके लिए राधा रानी ने व्यवस्था कर रखी है, केवल मात्र जीवों के प्रति जब देखते हैं कि ये जीव कितने दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई परिवार में दुखी, इसलिए सब किसी न किसी माध्यम से दुखी हैं। जब संत लोग देखते कि भैया ये इतने दुखी जीव हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? बोले एकमात्र जब भाग ठाकुर जी का भजन करेंगे। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक ये दुखों से दूर नहीं हो सकते। जब वो जीवों के इस दुख को देखते हैं तो क्या करते हैं, उनके पास में पहुंच जाते हैं।
अपने खुद के सुख को भी परित्याग करके, अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ के और सबके घर घर में जाके और उनको भगवत भजन का उपदेश देते हैं। इसलिए नारद जी भी जब वहां से गुजर रहे थे, नारद जी तो उधर से निकल जाते, लेकिन जब उन्होंने कुबेर के इन दोनों पुत्रों की इतनी दयनीय स्थिति देखी तो उस समय पर बड़े ही उनको दया आई। और दया आकर उन्होंने क्या किया, नारद जी को जब गाली गलौज कर रहे थे, नारद जी ने उनको अभिशाप दे दिया। अभिशाप दे दिया, बोले तुम कहां विवस्त्र होकर, कपड़े अपने शरीर पर नहीं और यहां पर जल विहार कर रहे हो, जाओ वृक्ष के समान विवस्त्र हो ना, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। जैसे ही ये अभिशाप मिला, दोनों नलकुबेर और मुनिग्रीव का सारा नशा उतर गया। नीचे से धीरे धीरे अभी पेड़ बनना चालू हो रहे हैं और उसी समय पर नारद जी के चरणों में गिर गए। प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम मदांध थे, हम पूर्ण रूप से हम शराब पी रखे थे, हमारे धन ऐश्वर्य का हमारे इतना नशा चढ़ा हुआ था कि हमें बाहर कौन निकल रहा है सामने से हमें पता ही नहीं चला। आप देखना इस जड़ जगत में भी ऐसा ही होता है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए उसी का ही नशा, पैसों का ही इतना अभिमान हो जाता है, जहां पर पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में विराजमान रहता है वहीं के लोग देखना ये सारे गंदे कामों में लिप्त होते हैं, है ना। इसलिए लक्ष्मी का यदि सदुपयोग ना किया जाए तो वो बुद्धि खराब ही करती है, वो बुद्धि भ्रष्ट ही करती है। आज नलकुबेर और मणिग्रीव भी नारद जी के शरणागत होकर क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। उस समय पर नारद जी ने उनको पुनः वरदान दिया कि देखो वृक्ष योनि तो तुम प्राप्त होगे, लेकिन कहां, नंद भवन में, नंद भवन में तुम वृक्ष बनोगे, भगवान की सारी लीलाओं को साक्षी करोगे और एक समय पर प्रभु ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कृष्ण की जब उन दोनों वृक्षों के ऊपर नजर पड़ी, वहां से चलते 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 कृष्ण उन दोनों वृक्ष के बीच में से गुजर गए। स्वयं तो पतले दुबले निकल गए वहां से, लेकिन वो ओखल वहां पर फंस गया। कृष्ण को उनके ऊपर कृपा जो करनी थी, ओखल फंस गया। कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा सा और जोर लगाया और दोनों वृक्ष धड़ाम करके दोनों तरफ गिर गए। जैसे ही गिरे और वहां से सुंदर दो मुनिग्रीव और नलकुबेर एक देव स्वरूप धारण करके वहां पर उपस्थित हो गए। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर रूप में स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम मनस्तव पादार्योना। कहते हैं हे प्रभु, हमारी वाणी सदैव आपके गुणगान गाती रहे, हमारे हाथ सदैव आपकी सेवा में नियुक्त रहे, सदा इन आंखों से हम आपके भक्तों का दर्शन करें। आपके भक्त तो आपसे अभिन्न हैं, आपके ऐसे भक्तों का दर्शन करके हमारी आंखें सार्थक हो जाए। इन पैरों से सदा हम आपके धाम की परिक्रमा में नियुक्त रहें, सदा आपके दर्शन के लिए धावित हो। इस प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने स्तुति करी और भगवान ने उनको अपने गोरख वृंदावन में भेज दिया। एक को बनाया नलकुबेर और एक को बनाया मधुकंठ और एक को बनाया स्निग्धकंठ। ये दोनों भगवान की गुण महिमा ही गान करते हैं। अभी जैसे ही दोनों वृक्ष गिर गए, बड़ा जोर से शब्द हुआ और मैया यशोदा आनंद बाबा सब दौड़े 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 वहां पर चले आए। देखा तो कृष्ण ओखल से बंधे हुए हैं और दोनों तरफ दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं। नंद बाबा तो इतने क्रोधित हो गए, इतना तुरंत वहां पर भागे भागे गए और कृष्ण को खोल दिया। पहले सखा लोग चेष्टा कर रहे थे लेकिन सखा खोल नहीं पाए, लेकिन मैया यशोदा और नंद बाबा ये दोनों तो माता पिता है ना, दोनों समान प्रेम है, इसीलिए कृष्ण को तुरंत खोल दिया और खोल के कृष्ण को गोद में ले लिया और गोद में लेकर पूछने लगे, बोले लाला तुझे किसने बांधा, बोले मैया ने, बोले और मैया के पास में जाओगे, बोले नहीं। कृष्ण तो वहां पर सिसक सिसक कर रोने लग गए बाबा की गोद में। मैया यशोदा वहां पर जब उपस्थित हुई, मनी मन सोचने लगी, हे भगवान कहां ये दोनों वृक्ष इस तरह से कैसे गिर गए, ना ही तो कोई आंधी तूफान, ना ही कोई भूचाल, इतने विशाल वृक्ष, अरे अगर दोनों लाला के ऊपर गिर जाते तो ना जाने क्या दुर्दशा होती। नंद बाबा भी मैया यशोदा को बड़ा शासन करने लगे, अरे एक मटकी तो फोड़ी थी, लगता है तेरी इन दूध दही इन मटकियों में ज्यादा आसक्ति हो गई है, अरे हमारे घर में तो इतनी मटकियां इतने दूध दही है, एक मटकी फोड़ने से तुम्हारा क्या बिगड़ गया था, लाला को इस तरह से तुमने बांध दिया, अरे आज तो नारायण ने रक्षा कर ली, नहीं तो अगर ये दोनों वृक्ष कृष्ण के ऊपर गिर जाते तो क्या होता, इस बुढ़ापे उम्र में हमको बड़े मुश्किल से तो एक लाला मिला है, उसपे ऊपर भी तुम इतना क्रोध करती हो, इतना शासन करती हो। नंद बाबा ने बड़ी जोर से मैया यशोदा को डांटा। मैया यशोदा वहां पे अश्रु बहाने लगी, क्रंदन करती करती और खुद को कोस रही है, अरे मेरे इन हाथ में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गए, मैंने क्यों इन हाथों से कृष्ण को बांध दिया, मेरी इतनी आसक्ति इस माखन दही दूध के प्रति, अरे मैं तो मेरे जीवन धारण करना ही मेरे तो जीवन धिक्कार हो गया। इस प्रकार खुद को धिक्कार देने लगी मैया यशोदा, बहुत जोर जोर से क्रंदन करने लगी। नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम दोनों को लिया और चले गए ब्रह्मांड घाट पर।
धाश ने दूध के अंदर मिश्री मिला के और दोनों लाला को पिला दिया। शाम के समय पर जब वापस घर आए, मैया यशोदा नंद भवन के एक कोने में बैठी है और बैठी बैठी वहां पर क्रंदन कर रही है, बहुत जोर जोर से रो रही है। रोहिणी मैया वहां पर सोचने लगी कि अब घर में ऐसा सुना सुना माहौल है, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक युक्ति लगाने लगी, अगर मैं कृष्ण को नंद बाबा की गोद से लेकर यशोदा की गोद में दे दूं तो सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण से दबल दाऊ से कहा, बोले दाऊ तुम कृष्ण को बाबा की गोद से लेकर और यशोदा की गोद में दे दो। कृष्ण दाऊ भैया जैसे गए, बोले कान्हा चल मैया के पास में चल। जैसे ही कृष्ण का हाथ पकड़ने लगे, कृष्ण ने तो मारा एक झटका, दाऊ भैया तो एक कोस दूर जाकर गिरे। बोले मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं। रोहिणी मैया वहां पर उपस्थित हो गई, बोले कान्हा चल मैया यशोदा के पास में चल। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैया मुझे मारती है। बोले तुम खेलोगे किसके साथ में, बोले सखाओं के साथ में। बोले दूध किसका पियोगे, बोले बाबा ने हमें धार से दूध में मिश्र मिला के और पहले ही पिला दिया। बोले अगर तुम मैया के साथ में बिल्कुल मिलना नहीं चाहते, अगर मैया यूं हो गई तो, अर्थात मैया अगर शरीर छोड़ दी तो। बस इतना सुनना था और कृष्ण तो वहां पर दौड़े 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 गए और मैया को गोद में चले गए। मैया तो वहां पर क्रंदन करते करते और वहां पर अश्रुपात करने लगी। जितने भी लोग वहां पर, जितने ब्रज गोपियां, जितने सारे गोप थे, सब देख देख कर इस नृत्य को, इस दृश्य को और आंखों से आंसू बहा रहे हैं। इति दृक् स्वलीला भी रानंद कोंडे स्वघोषणी मजंता लीलाएं करके पूरे ब्रजवासियों को भाव विभोर कर देते थे। सारे ब्रजवासियों को इसी प्रकार आनंद प्रदान करते थे। वांछा कल्पतरुवेश कृपा सिंधुवे वच परिदानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आ जाएंगे लाइट ये लोग है Maika।